रहे हैं और एक बाइट सुना रहे हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, जो खुलेआम मंच से ये कह रहे हैं, मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि वोट दो तो सुखी रहोगे और नहीं तो बहुत ही कष्ट भोगतोगे। क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की सरकार नहीं है। यहाँ पर तुम जाकर के टीएमएसपी से अपना काम नहीं करा सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा कोई नेता तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। सड़क खड़ंजा लाली नगर पालिका का काम है। दूसरी भी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ सकती हैं। आज तुम्हारा कोई पैरोकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। अगर हमारे सभासदों को तुमने बगैर भेदभाव के चुनाव नहीं जिताया, अगर रंजीत बहादुर की पत्नी को तुमने वोट देकर के चुनाव नहीं जिताया, तो ये दूरी जो तुम बनाने जा रहे हो, अब अगर ये दूरी बनेगी तो तुमको समाजवादी पार्टी बचाने नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे, वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे उसका अंदाजा तुमको स्वतः लग जाएगा। ये तो रंजीत बहादुर